Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu pakai ragli, and very good morning to all of you. Well done out, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hariyanori Aisha Malik aapke saath, aapka hamara saath rehta hai every Monday to Saturday, subah 11 baje se lekar dopahar 1 baje tak, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday, aur 11:11 ho chuke hain, aur aaj 23 tarikh hai August ki, aur safar ki aaj 5 tarikh ho chuki hai. Umeed hai aap jahan kahin bhi honge bilkul theek thaak, acche mood aur mizaj ke saath mere साथ होंगे. और अगर आज पहली बार आपने ट्यून इन किया है 107.4, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल जनाब, आज लाहौर का वेदर तो बहुत ही मिक्स्ड है, बट यू नो धूप निकली हुई है, बट धूप के साथ अच्छी हवा चल रही है और हवा काफी प्लेजेंट फील दे रही है. सो उम्मीद है कि आपके दिल का मौसम भी अच्छा होगा, और अगर आज कुछ खास है, मतलब हो सकता है आज आपकी बर्थडे हो या कोई बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो, तो चले मुबारक हो. और बाय द वे, आज का दिन कैसा गुजारने वाले हैं, आज के दिन के क्या प्लान्स हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ थ्रू आउट द शो. आज पता नहीं मुझे क्यों अपने आप डिफरेंट फील हो रहा है, आई डोंट नो, मतलब कैमरे में भी मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है और वैसे भी कुछ डिफरेंट फील, पता नहीं इसके पीछे क्या बात है. लेकिन खैर, अपने आप को आप डिफरेंट तब लग सकते हैं कि जब आप या तो बहुत कुछ अलग तरीके से तैयार होते हैं, या फिर कुछ अलग ड्रेस पहना होता है, मतलब नया ड्रेस भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ आपने अपने मेकअप को चेंज किया हो. मर्द हज़रात भी ऐसा फील कर सकते हैं, हो सकता है कि पहले वो कभी टाई नहीं लगाते हो, बट आज वो टाई लगा के आए हैं, तो उन्हें अपना थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है. और पहले वो ड्रेस शर्ट्स पहनते थे, आज वो टी शर्ट पहन के आए हैं. और यू नो कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए. खैर, मैंने तो आज कुछ डिफरेंट नहीं किया, बट मुझे पता नहीं क्यों डिफरेंट एक फील आ रही है, कुछ वाइब आ रही है, नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन है. लेकिन खैर, हाँ, रीजन से याद आया कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी यू नो खुशी की रीजन बनते हैं, आपकी हैप्पीनेस की रीजन बनते हैं, आप की जिंदगी में खूबसूरती की रीजन बनते हैं. सो हमेशा उन लोगों को रिगार्ड करते रहना चाहिए, हमेशा उनको एक्सप्रेस करते रहना चाहिए कि उन लोगों की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है. हर किसी से तो दोस्ती हो नहीं सकती, और जिनके साथ दोस्ती होती है डेफिनेटली वो इस काबिल होते हैं कि उनके साथ दोस्ती की जाती है, या फिर उनकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करती है, और कितना ज्यादा आपका सिंक है, और कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और किसी इंसान के साथ ये सारी चीजें यू नो आपको मिल जाए, किसी इंसान से ये सब कुछ आपको मिले, तो दैट मीन कि वो इंसान भी खुशकिस्मत हो सकता है क्योंकि आप उसको मिले, लेकिन आप भी खुशकिस्मत इंसान हो सकते हैं कि आपके पास एक मुखलिस, एक अच्छा, एक सच्चा रिश्ता है जो कि हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहने वाला है, आपके साथ चलने वाला है. टाइम्स यू नो ब्लड रिलेशंस आपके साथ उस तरह से नहीं चल पाते जितने के वो रिश्ते चलते हैं जो आप खुद बनाते हैं, जो दिल के रिश्ते होते हैं. हमेशा मैं दिल के रिश्तों के बारे में बात करती हूँ, और हमेशा मुझे लगता है कि दिल का रिश्ता टू सम हाउ बहुत सारे रिश्तों से बहुत ऊपर हो जाता है, अपनी वैल्यू में, अपनी इम्पॉर्टेंस में, और अपनी एग्जिस्टेंस में. सो अगर आपके पास कुछ दिल के रिश्ते हैं, और वो रिश्ते जो बहुत ही पुरखलूस हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा आपके साथ इंटैक्ट हैं, और आप उनको जब भी फील करते हैं, उन रिश्तों को, उन रिश्तों के एहसास को जब भी आप फील करते हैं, या जब भी उन रिश्तों के साथ होते हैं, तो आपको हमेशा अच्छा ही फील होता है. यू नो अच्छा फील करवाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अच्छा फील करवाना और आपके अंदर वो एक वाइब कनेक्ट करना, जैसे कि मैं दो दिन पहले टैटूअर के बारे में बात कर रही थी कि वो अपनी वाइब आपके अंदर ट्रांसफर करता है. सो इसी तरह से जो रिश्ते बहुत पुरखलूस होते हैं, बहुत मुखलिस होते हैं, आप उनके साथ
अनफिल्टर्ड होके बात कर सकते हैं. आप उनके साथ वो बात कर सकते हैं जो आपको लगता है कि यार इस पे आपको जज नहीं किया जाएगा, इस पे आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा. सो दूसरा ये कि मैं खुशी की बात कर रही थी. जेन्युइनली खुश रखना या खुशी देना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है. ट्रस्ट मी, अगर आपका किसी के साथ दिल का रिश्ता बन चुका है या आप किसी के साथ दिल के साथ अटैच हो चुके हैं तो आपको उसको खुश करने में कोई मुसीबत नहीं लगेगी कि यार क्या मुसीबत है या क्या प्रॉब्लम है, मैं मतलब नहीं कर सकता या मेरे बस की बात ही नहीं है. सो आपके बस में अगर ना होता तो वो रिश्ता आपके साथ ना होता. अगर आप उस रिश्ते के साथ है या आप उस रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं या वो रिश्ता बना सके हैं तो कुछ तो है यार, कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप उस रिश्ते की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करते हैं. यार इतनी कोई मुश्किल बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है रिश्तों को निभाना या रिश्तों को अच्छे तरीके से डील करना. बेसिक कुछ जो मैनर्स होते हैं उनका ख्याल रखना, सो ये कोई मुश्किल बात नहीं है. अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर तक उन लोगों के बारे में भी बात करूंगी जो मतलब प्रोफेशनली भी बहुत इन होते हैं और हर तरह से वो बहुत सेट होते हैं, लेकिन उनकी तो समहाउ जो मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन स्किल या किसी के साथ इंटरेक्शन जो है वो कुछ बेसिक मैनर्स से मफलूज होता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आती है तो प्लीज इस पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. सो बाय द वे, अभी लेकर चलूंगी आपको मैं एक और जबरदस्त ट्रैक की जाने, बल्कि एक गाना है जो काफी ज्यादा मैंने प्ले किया है और इतना ज्यादा प्ले किया है कि आपको खुद भी याद हो चुका है कि वो गाना मैं बहुत ज्यादा प्ले करती हूँ. सो आजकल थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है तो चले कोई बात नहीं, इट्स ओके. और फिलहाल ये गाना हम सुनेंगे अली सेठी की आवाज में. और इरादे अपने मजबूत रखें, जब इरादे इंसान के मजबूत होते हैं तो जो भी इंसान करना चाहता है वो सब मेरा ख्याल है कि करते हुए आसानी के रास्ते खुल जाते हैं, आसानी का मामला हो जाता है. सो इरादा और यकीन और नीयत ही अगर नेक है, पुख्ता है, तो आप को कभी भी कोई ऐसा काम जो खैर का काम हो, जो बरकत का काम हो, उसको करते हुए कभी भी आपको ऐसी फील नहीं आएगी ओ मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस काम में फंस चुकी हूँ. सो जस्ट इरादा अपना मजबूत रखें. All right, more music. Let's try to welcome back once again. Well, Janab, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दौराने मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को खुसूसी पैकेज देने का फैसला किया. मतलब पाकिस्तान में बंदे को मरना पड़ेगा पहले. खैर, उन्होंने ये कहा है कि जो इंसान दौराने मुलाजमत इंतकाल कर जाएगा सो इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को खुसूसी पैकेज दिया जाएगा और मुलाजमीन के अहले खाना को 10 दिन में इमदादी रुकूम अदा करने का हुक्म दिया है. और फिलहाल ये क्लियर नहीं किया कि कितनी रकम जो है वो देनी है, बट ये है कि अगर आप पाकिस्तान में अपने आप को सपोर्ट करवाना चाहते हैं या अपना जो भी मामला है वो बेहतर करना चाहते हैं तो यू नो आपको उसके लिए मरना पड़ेगा. बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी करते हैं कि पाकिस्तान में अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है या यू नो इस दुनिया से जाना पड़ता है. सो उसके बाद ही लोग अच्छी बात करते हैं, उसके बाद ही लोग वो बात करते हैं कि जो अगर उस इंसान की जिंदगी में बात की जाती तो शायद उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना होते. सो फिर भी एट द एंड तो बात यही है कि हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं सो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान की जो बिलोंगिंग्स हैं वो डेफिनेटली हमारे रूट्स में है. सो वो कभी भी किसी भी तरह से नहीं निकल सकती जितनी मर्जी कोशिश कर ले. सो जो भी हालात वाकयात हों, हमें
हमेशा इस मुल्क के लिए अच्छी और खैरख्वाही की ही बात करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और उम्मीद है कि वक्त और हालात पाकिस्तान के लिए कम अज कम जरूर बेहतर और इम्प्रूव होंगे। सारे काम आप एक साथ कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो जाती हैं। सो मेरे साथ भी कुछ अभी यही हो रहा है मतलब स्टूडियो का जो निजाम है वो ऊपर नीचे हुआ हुआ है। सो बाय द वे आज के दिन में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं चाहूंगी कि आपके नॉलेज में होनी चाहिए। सो अभी हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो दौरान मुलाजमत अगर इंतकाल कर जाते हैं तो जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं तो उन्होंने कहा है कि उनकी फैमिली उनके अहले खाना को 10 दिन के अंदर अंदर जो एक खसूसी पैकेज है जिसमें कुछ इमदादी रकम है वो अदा करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि जो 65 साल से जायद उम्र पाकिस्तानी जायरीन है सो उनको बायोमेट्रिक से इस्तस्ना दिया जाए। ओके सो सऊदी हुकूमत की तरफ से ये एक तरह की सहूलत है और ये कहा है कि जो लोग 65 साल से जायद उम्र पाकिस्तानी जायरीन है सो वो अब बायोमेट्रिक ना भी करवाएं तो उनका मामला जो है वो चल सकता है। और चूंकि उम्र के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं बट पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो उम्र या हज के लिए अप्लाई करते हैं। सो पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे है कि जो उम्र जायरीन की अगर तादाद को देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से तादाद जो है वो काउंट होती है। और इसके साथ साथ वहीं से बात है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और पाकिस्तानी उन रिस्ट्रिक्शंस को कम्प्लीटली फॉलो करते हुए अपनी जो भी चीजें हैं उनको मैनेज करते हैं। सो अगर ये सहूलत दी है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि 65 साल से जो जायद उम्र के लोग हैं सो उनको बायोमेट्रिक से इस्तस्ना दिया जाए ताकि उनके लिए थोड़े से मामला और आसान हो जाए। सो चले ये एक अच्छी चीज हो गई है। सो इसके अलावा मजहबी इंतहा पसंदी और अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद में हिंदुस्तान सरे फहरिस्त पर है। ओके और आज बेसिकली दुनिया भर में मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद के शिकार अफराद के साथ यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ओके और इसके अलावा जनाब एक्स मतलब ट्विटर अकाउंट पर अगर आप वेरीफाइड अकाउंट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स अब आपको बता दिए गए हैं, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। ओके सो अभी एक और ट्रैक है जो कि आपके लिए मैं प्ले ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसके बाद प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में डेफिनेटली मुलाकात होगी आपकी मेरी और तब तक मुझे उम्मीद है कि आप अपने लंच की तैयारी शैयारी कर लेंगे। और आज मेरा लंच तो हो चुका, मतलब नाश्ता भी हो चुका, लंच भी हो चुका। और बेसिकली कभी कभी यू नो ढाबे का जो खाना है वो आपको इतनी कोई प्लेजेंट फील देता है एंड ट्रस्ट मी जो खाना जितने शशके के साथ आपको प्रेजेंट किया जाता है या आपके लिए बनाया जाता है सो उसका शायद उतना मजा नहीं आता जितनी ढाबे की दाल माश का मजा आता है। एंड पर्सनली मेरी बहुत ही फेवरेट है, शदीद किस्म की जो फेवरेट होती है ना वो है। और अगर आपको स्टूडियो आते ही पता चले कि आपको दाल माश की ट्रीट मिल रही है या दाल माश के साथ आप अपना शो करेंगे सो इससे मेरा ख्याल है कि बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती कि वो लोग जिनको दाल माश की क्रेविंग हो रही हो या जिनको दाल माश की ब्यूटी पता हो सो वो इस बात को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। सो इतना मजा शायद किसी और कुज़ीन या किसी और डिश का नहीं आएगा जितना आपको ढाबे की दाल माश का मजा आएगा। सो ट्रस्ट मी अगर आपने अभी तक अपना लंच का मेन्यू डिसाइड नहीं किया तो आज मेरे कहने पे आप दाल माश वो भी ढाबे की बनी हुई उसको जरूर ट्राई करें विद फ्रेश सैलड एंड यू नो मिंट का जो एक रायता है साथ में अगर वो हो जाए वाह 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 क्या बात है। और इसके साथ आपने ये नहीं करना कि आप सोडा ड्रिंक्स का अहतमाम करें, आप चाय का अहतमाम करें जो कि सभी मशरूब की एक मैं समझती हूं कि
जो टॉप प्रायोरिटी पे मशरूबात की लिस्ट है ना, उस पे चाय को लोग कंसिडर करते हैं. सो मैं कोई इतनी बड़ी चाय की फैन नहीं हूं, बट आज चले चाय पी के देख लेते हैं. सो आप भी कुछ एहतमाम कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं. यू आर मोर देन वेलकम. तो मैंने सोचा कि मैं अपने लंच की या जो अभी की स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर कर लूं, जो कि नॉर्मली मैं करती रहती हूं, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो मुझे रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं उनको पता है कि मुझे दाल माश कितनी ज्यादा पसंद है. सो मैंने सोचा कि चले आज आप मेरे कहने पे, मेरी रिकमेंडेशन पे दाल माश खा के देखें. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. और आज चूंकि बारिश एक्सपेक्टेड है, बारिश के बारे में बातचीत मैंने कल भी की थी, और वो लोग जो बारिश को लेके जरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि चलो बारिश हो जाएगी तो थोड़ा सा मौसम जरा और प्लेजेंट हो जाएगा. अभी आज के दिन में चूंकि महकमे मौसमियात ने ये कहा है कि बारिश शुरू हो जाएगी, किसी भी वक्त हो सकती है. वैसे तो पार्टली सनी वेदर है लाहौर का, लेकिन लाहौर में काफी अच्छी हवा चल रही है, काफी यू नो प्लेजेंट एक वाइब है लाहौर की. सो कल कराची में मैंने सुना कि काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कराची का वेदर काफी प्लेजेंट था. आई डोंट नो, वो लोग जो कराची की शदीद गर्मी है, जाहिर सी बात है, और जब कराची में थोड़ी सी हवा चल जाती है तो थोड़ा सा एक बेहतर हो जाता है मामला. बट वो लोग जो शदीद गर्मी है वो क्या ऐसा करते हैं, कौन सी ऐसी रेमेडी है कि जिससे वो अपनी गर्मी की शिद्दत को जरा अपने से दूर करते हैं, क्योंकि कराची के लोग चाय भी बहुत ज्यादा पीते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, गर्मी में चाय पीना वो भी इतनी ज्यादा, एक से दो बार आप पी सकते हैं, बट वो लोग जो एक से ज्यादा बार पीते हैं, और स्पेशली कराची वालों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, और स्पेशली वो लोग जो वर्क प्लेस पे होते हैं, सो उन्हें कम से कम 2 से 3-4 कप लाजमी चाहिए होते हैं, और पता नहीं वो कैसे मैनेज कर लेते हैं, और वो भी कराची की जो शदीद गर्मी है उस पर. अच्छा जनाब, अभी महकमा मौसमियात के बारे में मैं बात कर रही थी कि आज से 27 अगस्त तक बारिशों का एक जो सिलसिला है वो रहने वाला है. सो आज चूंकि 23 तारीख है तो ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 5 दिन तक रहेगा थ्रू आउट. तो आज इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 25, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 64%. लाहौर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 27, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. और सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 26, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 74%. ओके, सो ये तो कुछ वेदर अपडेट हो गई, बता दिया आपको मैंने कि आज मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है. बाय द वे, वो लोग जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, जो कि मक्का मुकरमा में काफी शदीद बारिश हुई है, और वो लोग जिन्होंने उस वक्त की बारिश को देखा है या उस वक्त की बारिश ऑब्जर्व की है, जाहिर सी बात है ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप तवाफ कर रहे हो और या नमाज अदा कर रहे हो, और काबा का जो सहन है वहां पर अगर बारिश हो जाए तो यू नो ये एक बहुत अमेजिंग फीलिंग है. मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला, बट मेरी बहुत ख्वाहिश रही है कि मैं अगर तवाफ कर रही हूं या काबा के सहन में भी हूं तो बारिश हो जाए. अल्लाह करे कि ये दुआ मेरी पूरी हो जाए. सो बहुत सारे लोगों ने ये चीज इंजॉय की है, और माशाल्लाह से यू नो वो लोग जो इस मौके पर हरम में मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूं. लेकिन खैर, बहुत शदीद बारिश हुई, शदीद हवा चली, और उसकी वजह से सफाई का निजाम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बट उसको टू सम हाउ जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया गया है. पता नहीं ये हमारे आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है,
मेरे कानों तक आवाज आ रही है. सो आई एम श्योर कि आप तक की आवाज नहीं पहुंच रही होगी. सो फिलहाल एक गाना और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. एक बार फिर से खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी की अभी ट्यून इन किया है 107.4. सो फीडबैक आप दे सकते हैं अपना ऑन 4471 या फिर बहुत सारे वो लोग जो सोशली मेरे साथ कनेक्ट होते हैं. सो अब आप सोशली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और अभी के लिए मैं कुछ देख रही थी कि आज काफी हद तक मैंने गाने वो प्ले किए हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे, क्योंकि कल मुझे तो समहाउ बहुत सारे लोगों ने ये शिकवा किया था कि आप हमारी रिक्वेस्ट प्ले नहीं करती. लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो लाजमी कंसिडर करूँ. अगर नहीं प्ले कर सकती तो तब मैं माजरत कर लेती हूँ. बट आज मैंने पूरे के पूरे वो गाने रखे हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे. सो जनाब ओके भारतीय मिशन चंद्रयान 3 आज शाम चांद पर उतरेगा. ओके पता नहीं शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं. मेरा ख्याल है कि यही है, क्योंकि समटाइम्स यू नो उर्दू की चीजें कुछ और तरह से लिखी जाती हैं और इंग्लिश में आप उसको और तरह से पढ़ते हैं, तो उर्दू और इंग्लिश का थोड़ा सा ये घपला रहता ही है. सो पाक और अफगान सीरीज के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान ने तो धुआंधार किस्म का यू नो परफॉर्म कर दिया है. और पहला जो वनडे था उसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आउट क्लास आउट किया है और 142 रन से पाकिस्तान को फतह मिली है और ये एक बहुत अच्छा खासा मार्जिन है. सो उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम को नजर ना लगे और वो आने वाले जो बाकी के मैचेस हैं उनमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहें. और वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसलसल जो है वो दूसरी फतह हुई है और पाकिस्तान की टीम काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है. ओके और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 300 रुपए के बहुत करीब पहुंच चुका है. और आरिफ वाला जो कि मेरा होम टाउन है. अच्छा ओके आरिफ वाला पाकपतन और बहावल नगर में सैलाब से तबाही, मजीद कई इलाके पानी की नजर में आ चुके हैं. अच्छा बाय द वे मुझे ऐसा कोई नहीं पता चला, ऐसी कोई अपडेट नहीं मेरे तक आई, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा वो नेटिव टाउन है और वहां पर एज सच कोई ऐसी खबर नहीं गर्दिश कर रही. सो फिलहाल बुलंद तरीन स्कर्दू एयरपोर्ट से PIA की दुबई के लिए पहली परवाज की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. और डिटेल अगर इसके बारे में बात करें डिटेल को लेकर तो KPK 211 को स्कर्दू एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना किया गया है. स्कर्दू एयरपोर्ट का शुमार उन एयरपोर्ट्स में होता है जिन्हें दुनिया के बुलंद तरीन मुकामात पर बनाया गया है. और ये बात काबिले जिक्र है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो पहली एयरलाइन है जो स्कर्दू से दुबई के लिए बराह रास्त परवाजें चला रही है. ओके अल्लाह करे कि जो किराए हैं वो भी जरा कम हो जाए तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा. यस और फिलहाल मेरे पास अभी एक ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कराएंगे आपको, करेंगे ज्वाइन. All right, welcome back once again. Well, जनाब कुछ गाने जो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक आपको फील देते हैं, सो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा गाना भी आज के शो में प्ले होना चाहिए. सो बाय द वे मक्का मुकर्मा की बारिश के बारे में मैंने जरा डिटेल में बात की है. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल कर रहे हैं और ये एक नो डाउट बहुत अमेजिंग फीलिंग है. और हर तरफ ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है, चाहे फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है. सो ये मेरा ख्याल है कि वीडियो देखना भी एक बड़ी सादत की बात है. खैर जनाब सिगरेट नोशी करने वाले कम उम्र नौजवान जितने भी हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट
सामने आई और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि जो बहुत अर्ली एज में सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं, सो उनकी जो दिमागी साख्त है, जो दिमागी तौर पे बहुत सारे फॉर्मेशंस होती हैं, वो तब्दील होने का इंकशाफ हुआ है। और ये तो वैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं कि बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर सिगरेट के लिए भी एक एज फिक्स है, और पाकिस्तान में खैर हर चीज आम हो जाती है, हर चीज यू नो आप कर लेते हैं और जैसे तैसे करके। बट चाइना में ये रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये कहा है कि स्पेशली जो नौजवानों की दिमाग की जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है, और बेसिकली जो दिमागी साख्त है वो ही तब्दील हो जाती है। तो बेहतर है कि वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, इनफैक्ट ये तो हम सबको ही पता है कि सिगरेट नोशी आप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके फेफड़ों की सेहत के लिए, आपके दिमागी सेहत के लिए। आपको तो somehow फील जरूर होता है कि आप जब टेंशन या डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, पता नहीं ये बात मतलब किस हद तक सही है कि आप टेंशन या डिप्रेशन में या कोई एक सिचुएशन होती है, स्पेशली खाने के बाद पता नहीं कैसे लोग जो है वो टबैको इनटेक करते हैं, उनको लगता है शायद खाना हजम हो जाता है, और या फिर जो टबैको के बगैर जिंदगी नहीं उनकी चलती। सो उनको ये पता है कि सिगरेट नोशी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुजर है, और इसके ऊपर इसके जो बेसिकली जो डब्बी होती है सिगरेट की उसके ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर भी बताया जाता है कि सिगरेट नोशी तंबाकू नोशी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इस चीज को फॉलो करते हैं और टंकी की जोड़ पे करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ये ना किया तो शायद हमारी जिंदगी जो है वो अधूरी हो जाएगी। अदरवाइज यू नो देखा जाए तो जिंदगी में और भी बहुत सारे मामलात हैं, उनको अगर हम कंसिडर कर लें अच्छे तरीके से तो फिर शायद जिंदगी में बहुत सारे मामलात को लेकर हम आसानी महसूस कर सकते हैं। बट हमें वही करना है जो हमारे लिए सही नहीं है, हमें वही चीजें करनी है जो बताई जाती हैं कि ये सही नहीं है, इनको अगर आपने कर लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अगर उनको ना किया तो फिर जिंदगी क्या जी। ये एक अप्रोच है, एक जनरल अप्रोच है। सो प्लीज अपनी सेहत के लिए कंसर्न रहें हमेशा, और अपनी सेहत को लेकर कभी भी हल्का ना फील करें। आप हमेशा जब अपनी सेहत के मामले में कंसर्न रहते हैं और वो चीजें अपने टू समहाउ फॉलो करते हैं कि प्रैक्टिसेस में रहें, तो शायद नहीं यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत सारे उसके फॉलो करने से फायदे हो सकते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल जनाब, दिल में अगर कोई बात आती है, दिल में अगर कोई फील आती है किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम में इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो मेरा ख्याल है कि दिल की सुन लेनी चाहिए। और हर बार नहीं, बट कभी कभी दिल की इंसान अगर सुन ले तो उसमें फायदा ही होता है, ना कि नुकसान। और अगर आपको आपका गट किसी के बारे में हिट कर रहा है, सो आपको दिल की बजाय आपके गट की सुननी चाहिए, बिकॉज गट इज योर सेकेंड ब्रेन। ओके, सो इसी नोट के साथ अब इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, एंड खुदा पमान। दिस इज मेरा FM 107.4।